हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया पुअ ब्लॉग यूट्यूब चैनल को आपण मनकम पूर्ण थरे स्वागत करूची। आज करिबा पूर्ण निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रो एनालिसिस आसंता काली पई 8 अगस्त पई। आज पई कोन आपण मनकु कहिथिली एवं मार्केट रे कोन घटिची से सब जिनस मा आपण माने बहुत भल आबे जानिथिबे सिखिथिबे मने रखिथिबे। जदी मने रखिनाथी एटा होची आपणकर निहाती गोटे बहुत बडा प्रॉब्लम। आपण माने पछि सर प्रॉब्लम कोन, आपण ऑप्शन ट्रेडर बनिबा को चाहंती, यू वांट टू बिकम अ ऑप्शन ट्रेडर, वेट अ सेकंड, बट यू डोंट वांट टू लर्न, आपण शिखिबाक चाहते नी। तो स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सब जिन एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करछि। आई एम एनएससी एनसीएफएम एनआईएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर एंड एमबीए एंड पीजीडीएम इन फाइनेंस। तो आपण माने जदि वीडियो देखिला परे टिके भी रियलाइज करछन कि नहीं, सिखिबा लर्निंग इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, जेमिति हेले मते जणै परिबे। तबे देखंतु प्रीवियस एनालिसिस रे म आपण मानु कहितली एबिला गोटे पैटर्न बनिछि बोली, क्लियर। प्रीवियस एनालिसिस में आपको कही गोटे पैटर्न बनी इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। डिपेंडिंग ऑन दिस इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे एक सेयर करी देखते या पर सस्टेन करे मोटामोटी 19,545 चांसेस आर वेरी हाई कि 40-50 पॉइंट आम उपरको जावा इवेन 19,600 भी जावा 600 पर गले टे मैं अल्प उपरको जावा 600 पर कि 600 पर्यटन जापर देखो कितने पावरफुल ये लेवल थी। ए लेवल पर हमें ओपन हेले तौक आसिक ए एरिया टेस्ट कले बिकज इज द डिमांड एंड सप्लाई जोन। मुझ कोर्स बुझे मो स्टूडेंट मानक जब मो स्टूडेंट मैंने लाइव मो वीडियो देखुं निहाती एप्रिसीएट करेंगे आपण मैं बुझे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन या फिर व्हाट इज जोन ऑफ पोलारिटी जोटा बर्तमान रेजिस्टेंस थिला काल पर्यंत। आज सका मार्केट जदि ताऊपर खोलला सेटा बर्तमान सपोर्ट बनला खोलवा सहित ही से सपोर्ट रूप गले 40.45 पॉइंट मैंने 19,585 पुणी सेठू खसिले ए जगह को पुणी सपोर्ट ना पुणी इठू गले एथर गले 19,620। तो जमी एक्जाक्टली आप प्राइस एक्शन लिखिकी सेमती एक्जाक्टली प्राइस एक्शन घटी एथर आपण मानक कौन शिक्षा को मिलूँ आपण मानक शिक्षा मिलूँ ना आम जो लर्निंग करवा शिक्षा विषय टी भावी ताहले ही आम उपरक जापर आम जब किसी न भाविक मो पाखे 10-15 हजार टंका कैपिटल अच्छी कि आमको अफर दे आस हरी 50,000 करदेवि अरे भाई टिके तो भाव 50,000-10,000 रु बनवा जदि एत इजी होता रिजर्व बैंक तो पैसा छापी देता मैं आम इनफ्लेशन ने कौन पाई अच्छे पैसार तो शॉर्टफॉल अच्छी ना तो आम इनफ्लेशन ने कहीं अच्छे तो कहार अर्थ एमती चले देश देश चलने नलेज बुद्धि भी आवश्यकता अच्छी मुझे आशा करी आपने समस्ते चला तेणुकर जमी प्लां होता से भाया पैटर्न बनी प्राइस उपरको जाए प्राइस जो 600 टारगेट था 600 कौन 620 पर्यटन भी आचिव करती है। चलो एनालिसिस करेंगे आसंता काली कौन हम देखा कि पूर्व डाउनलोड करना मोर स्टॉक नॉलेज हिंदी एप्लीकेशन तो एवं ही डाउनलोड करूँ। आम एप्लीकेशन लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपने डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन जोड़े कोर्स सहित ओडिया टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास प्रोग्राम सहित कौन ओडिया टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास प्रोग्राम जोटा कि 1,000 टंकार डिस्काउंट आपको दि जाऊँगी। कोर्स जॉइन करने सहित सहित एलिजिबल हो मोर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स जॉइन करने जोटा कि 2 मास पर ए कोर्सटा आज जॉइन कले एक्जाक्टली 2 मास पर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स मात्र 370 टंकार जॉइन करेंगे। ताठ बड़ कथा है स्टूडेंट ग्रुप एसके स्टूडेंट ग्रुप जो ग्रुप में आज धमाका एनालिसिस होता कारण देखो बजाज फिनसर्वर गोटे ट्रेड था जोटा कि फॉलिंग ट्रेन लाइन उपर क्यारि करता ये ट्रेन लाइन टी फॉलिंग अच्छी या पर जो प्राइस क्लोज देला ए पर्टिकुलर जोन उपर 1490 पर क्लोज देला 1492 उपर मोर ट्रेड था एज पर द लॉ एक्जाक्टली 1512 पर्यंत मोमेंटम है 20 पॉइंट मोमेंटम इन 1500 स्टॉक रे 20 पॉइंट सॉरी 20 रुपीज मोमेंटम एटा हूँ पाखापाखि 1% उपर मोमेंटम। तो यह ट्रेडर नॉलेज नाप ओनली शिखापे जॉइन करेंगे तो कोर्स सहित एनरोलमेंट करने को भूलतुनि। देखो निफ्टी में वर्तमान कौन घटव सर्वप्रथम लॉजिक है आम जेहेतु उपरक जाइए एटी भी आम गोटे ट्रेंड को ही फॉलो करे वी आर फॉलोइंग ए ट्रेंड राइट नाउ आम गोटे ट्रेंड को फॉलो करने आरंभ कर सारे प्राइस को आम धीरे धीरे करके गोटे जोन को नहीं सारे बुझीपार आउ गोटे एटी भी हम प्राइस को आम स्लो एंड स्टेडली गोटे जोन को नहीं तो प्राइस जदि जिते अधिक 19,600 सस्टेन कर 620 सस्टेन कर द चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस आहरी उपरको जीव मोमेंटम देखिए आहरी उपरको जीव क्लीयर समस्ते बुझिपारे जिते अधिक प्राइस उपर सस्टेन कर प्राइस से अधिक उपरको जीव मैंने 620 20-30 पॉइंट तो अवश्यम भाव आसपार
କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବି 670-680 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇପାରେ। ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଆସିଲା, ତଳେ ସଷ୍ଟେନ୍ କଲା 570-80 ଏରିଆ ତଳେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ 19,530-540। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ନାଓ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ କି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଥା ସରିବ, ପୁଣି 500 ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନିଫ୍ଟିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ନିଫ୍ଟିର ଆନାଲିସିସ୍। କାହିଁକି ନା ନିଫ୍ଟି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଏବଂ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଏତେ ଜୋର ବି ଯାଇନି, ସଷ୍ଟେନ୍ କରିକରି ଯାଇଛି। ଦ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଭେରି ହାଇ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଇଏ ପୁଣି ସଷ୍ଟେନ୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ବି ପେନ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜୋନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜୋନ୍, ୟା ଉପରେ ସଷ୍ଟେନ୍ କଲେ ହିଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ 700 ଲେବୁଲ୍ଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେବୁଲ୍, ଏତେ ଇଜି ଲେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। କ୍ଲିୟର୍? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍? ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କୋର୍ସ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ଚାର୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରକୁ ଯାଇନି ଭୁଲରେ ବି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 45,000 ଲେବୁଲ୍, 45K, ଏଇଟା ହେଉଛି 44,800-770, ମାନେ 230 ପଏଣ୍ଟର ରେଞ୍ଜରେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସକ୍ ହେଇଯିବେ, ସାର୍ ମାତ୍ର ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ 230 ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡବଲ୍ ଟପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ପଏଣ୍ଟର ଏଠି ବଫର୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟପ୍ ହେଉଛି 45,100 ଉପରେ। ତ ଆମେ ଏଠି 45,000 ହିଁ ଆଜି ଆଚିଭ୍ କରିଛେ, 100 ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇନେ, କାଲି 100 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ। ଫିଲହାଲ୍ ତ ଆମେ ଡେ ଲୋ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛେ, ଏଠି ଯଦି କଭର୍ ଅପ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଯାଉଛେ 100 ପଏଣ୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏ 100 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଜିତୁଛେ, ୱିନର୍ ହେଉଛେ, ଏ ଲେବୁଲ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଠି ବି ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନିଥିଲା ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ୟା ଉପରେ ଉପରକୁ ଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବି କରୁନେ, 44,770 ତଳେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦେଖାଉଛେ, 100-150 ପଏଣ୍ଟ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଫଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଟ୍ରେଡ୍ ନେବାକୁ କାହାକୁ ସଜେସନ୍ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଆନାଲିସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର, ନିଫ୍ଟିର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଏ ଜୋନ୍ ଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଭାବିଲି? ୟା ତଳେ କିମ୍ବା ୟା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ମଝିରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କି ପ୍ରପୋଜାଲ୍? ତ ତାପରେ 600 ହେବ, 44,600 ହେବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆନାଲିସିସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରାଗନ୍ ବେଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ପ୍ଲେ ଆଉଟ୍ ହେବ ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି? ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ, ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।